हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू सो मच, अभी तक इतना प्यार दिया, आगे भी दे रहे हो, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो भाई चलो, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं आपके साथ अपने सिल्वर इटालियन ईयरिंग लुक को शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैं आपके साथ अपनी दो तरह की कलेक्शंस को शेयर करूंगी और स्पेशल मोटिव मेरा इस वीडियो को शेयर करने का क्या है। हो सकता है आप में से मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स या मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनको ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो बिल्कुल सूट नहीं करती, तो आप कुछ इस तरह के सिल्वर ईयरिंग्स बनवा सकते हैं। और आजकल ज्वेलर्स के पास ये बहुत ही अलग तरह के स्पेशल कलेक्शंस आई हैं, आप भी अपने नियर बाई ज्वेलर्स के पास जाकर ये पता कर सकते हैं। मार्केट में ये बहुत इजीली तो नहीं मिलते, लेकिन हाँ अगर आप ऑर्डर करेंगे तो ये आपको ज़रूर मिल जाएंगे। मोर ओवर ये जो लुक है ना, ये बहुत ही सिंपल है। इससे क्या होगा कि ये काफ़ी लाइट वेट है और ये आपकी लुक को यूनिक तो बनाते ही हैं, प्लस ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपको किसी तरह का कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा और हमारी स्किन भी सेफ रहेगी। बस सेफ्टी चाहे कोई भी हो, हर तरह से बहुत ज़रूरी है। चलो लेट्स मूव, अब मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी मेरा कम्प्लीट लुक और मैं आपको बताऊंगी कि इस लुक के पीछे खासियत क्या है। यहाँ पर मैंने ये जैकेट टाइप कॉटन का ब्लैक कलर कुर्ता, जिसको मैंने कॉम्बिनेट किया है ब्लैक कलर की जैगिंग के साथ, प्लस जो पंजाबी फुटवेयर को मैंने इसके साथ यूज़ किया है। और साथ में मैंने अपने तीन तरह के लुक ऑफ द डेज आपके साथ शेयर किए, हाई पोनीटेल, एक जूड़ा और एक मेरे हेयर कट के साथ। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि आपको ये लुक कैसा लग रहा है। कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर दिया करो, क्योंकि आपके कमेंट्स को पढ़कर मुझे मोटिवेशन तो मिलता ही है, कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ नया करने का मौका भी मिलता है, तो इसीलिए कमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप हेयर कट के साथ मेरा लुक देख सकते हैं। कंप्लीट मैंने इसे किया इस जैकेट के साथ, क्योंकि अगर आप कहीं इन सर्विस मतलब जॉब में है तो मुझे लगता है कि स्लीवलेस जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसके जैकेट के साथ ऑर्डर किया। वैसे अगर आप कहीं बाहर जाते हैं या अपने पर्सनल टाइम में, तो आप इसे स्लीवलेस भी पहन सकते हैं। इसको दो तरह से पहना जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ एक ही तरह की लुक जो है वो शेयर कर रही हूँ। और हाँ, आगे आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन से जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, मैं कोई ज़्यादा हाई फाई मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती, लेकिन जो भी होगा उसका एक शॉर्ट वीडियो शेयर कर दूँगी। हाँ, ये आप देख सकते हैं मैंने पंजाबी फुटवेयर के साथ जो अपनी पूरी ड्रेस को कंप्लीट किया है, और बताइए मुझे कैसा लग रहा है। और हाँ, एक स्पेशल चीज़, भाई मुझे नेचर का बैकग्राउंड सबसे अच्छा लगता है, तो मेरी वीडियोस में ना आपको हमेशा बैकग्राउंड में नेचर लुक ही मिलेगा, क्योंकि मुझे नेचर में बहुत सुकून मिलता है। और आगे देखिए, मैं फ़ोटोशूट क्यों नहीं करती, बहुत से फ़ोटो पॉजेस में आपके साथ मैंने आगे शेयर किया है, तो आप फ़ोटो पॉजेस आइडियाज़ भी ले सकते हैं। भाई जब आप रेडी होंगे और फ़ोटो पॉजेस नहीं मारेंगे तो ऐसा कैसे होगा, इसीलिए जब भी न्यू ड्रेस पहने तो थोड़ा बहुत पॉजेस तो मार लिया करें, क्योंकि जितना ज़्यादा खुद को खुश रखेंगे ना, उतनी ज़्यादा हम पॉजिटिविटी फैला पाएंगे। भाई आजकल ना यूनिवर्स में पॉजिटिविटी फैलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स भेजेंगे ना, तो वो नेगेटिव वाइब्स कहीं ना कहीं हमें भी इफेक्ट करती है। इसलिए प्लीज़ स्टे पॉजिटिव एंड स्प्रेड द पॉजिटिव वाइब्स विद माय हैप्पी यूनिवर्स शालिनी। और ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए आप हमेशा मेरे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने ये सारा वीडियो यहाँ तक देखा है तो मैं आपका बहुत दिल से थैंक यू करती हूँ। आई विश आई प्रे गॉड ब्लेस माय ऑल द व्यूअर्स, स्टे ट्यून फॉर मोर। और प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।